आत्मनिर्भर भारत आउ पादे आगक बढ़ी राउरकेला एसके डीएबी पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर मेकानिकल प्राय 10 जन छात्र छात्री नूतन ज्ञानकौशल पूरा स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्माण कर एक घास कटा जंत्र जो थे ना इंधन व्यवहार हे ना इलेक्ट्रिक चार्ज व्यवहार हे कि बैटरी व्यवहार हे ना आउ कि फ्यूएल व्यवहार हे निजे सैकेल तोरा अदरिक सैकेल रिच्छी जिनस लुहा रड कि अन्न्य जो अदरकारी जिनस जो व्यवहूत जिनसर ज्ञानकौशल निर्माण कर घास कटा जंत्र जोटा को जड़े बेक अति सहजरे पड़िया घास को अति शीघ्र काटि पार तेब आम अच्छे से कलेज आम सांग अच्छा छात्र छात्री आउ प्रेरणा जगे शिक्षक आ शिक्षयत्री प्रोफेसर जी अच्छा सीधा साल सहित आलोचना हाँ आज जाणवा ये जो आत्मनिर्भर भारत जो आगक से बढ़ी प्रेरणा पाई सीधा साल सहित प्रतिक्रिया ना तो कौन कहे मैडम ये जो आत्मनिर्भर भारत तादेरे गोटे आप नूतन ज्ञानकौशल निर्माण कर जो साइकिल जो पिला माने केमती कौन ये थॉट माइंड को आसला केमती कौन आप प्रेरणा देने पिला मानकर प्रोजेक्ट वर्क फाइनल ईयर रो गोटे करिकुलम भितरे अच्छी तो आम पिलांकु कहिथिलु कि तुमने चिंता कर आम सांगे डिस्कशन कर जेमिति किछि प्रोजेक्ट आमर यूटिलिटी प्रोजेक्ट हम आउ जदि किछि स्क्रैप यूटिलाइज हबो तो ताले प्रोजेक्ट रो वैल्यू डेवलप हबो तो सेइटा को नेकी से माने बहुत अनुध्यान करिकी एटा को सजेस्ट करिथिले आ प्रथमे से माने ताकु दुईटा चक्करे साइकिल करबा पई चिंता करथिले परे किंतु पुणी आमे देखिलु कि दुईटा चक्करे जदि करिवे तो गोटे घास काटिला बेले जर्क रे हुए तो अनबालांस हो पारती से आमे सेटा दुईटा चक्कर चारटा चक को चेंज करलु आउ से माने बाकी जिनस जो लॉन मोयर रो टेक्नोलॉजी देखिकी ताकु गियर दे देले पेडल रे मोशन ट्रांसमिट हो पारिबो तो से जिनस को फॉलो करिकी एटा को बनेइछन्ति निश्चित भाव केते समय लगी पानू केमती कौन निर्माण करते कौन कौन सब लगी आज्ञा पिला आप्रोक्सीमेटली 7 to 10 days लगी आने फास्ट मैम जमी कहले फास्ट 2 wheeler वाला बनते से मोडिफाए कले 4 wheeler कले तो ये स्टीयरिंग मेकानिज्म लगे जो थे कि आग व्हीलटा टर्न कले से अनुसार ग्रास कटिंग हो पार आउपर से आउ थे 6 mm रे चाहते आउ मोडिफाए करने ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन दे पारे या बैकवर्ड पर टिके से जन को ओल्लैकी बैक ना पड़ा से मोडिफाए कर 6 mm रे कि जड़े बसिक साममल्टेनियसली फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन केमी दे पार आउ तुम से आडभांस जो जे चाहते सोलार भी यूज करके प्रोपेल कर पार तो एबे केवल एबे केवल ये केवल आग को जाई परबो तो पछो को जीवार ज्ञान कौशल मध्य पिला माने निर्माण करचंदी आ सबटो बड़ कथा हला आग को यारो सोलर सिस्टम सोलर एनर्जी रो केमती एटा चालिबो आ ऑपरेट हाई परबो से दिगर मध्य से माने या ऊपर गवेषणा करचंदी तो आग को या आउरी मध्य मॉडिफाई हबो तो कोन कहिबो केमती एको तयारी कलो कोन केमती माइंड को गोटे एते भलो थॉट आस प्रथमे आमे तो भाबितलो कि किछि कॉलेज रो प्रोजेक्ट करिवार अछि तो प्रथम आम भाविल कि ना घास कटा मेसीन बनइबू तो ताकू तापरे डिस्कशन करकेदिन विषय रिसर्च कलापर आम या विषय बनवाप भाविल कत पिला लगे बन 10 जन पिला टोटाल आम अच्छा किसी जन आबसेंट अच्छे दिन लगे बन 7 to 10 days लगे बनवाप 7 to 10 days अक्लांत परिश्रम केमती सब माइंड को आसला केमती एको टिके एक्सप्लेन करि परबो केमती कोन काम हबो आज्ञा तो एटा हमें फर्स्ट हमें पेडल ऑपरेटेड करिछु तो जहा द्वारा हमको माने किछि फ्यूल यूज होनी कि किछि हमको एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करिया बे पन्ने मैन्युअली ऑपरेटेड करूछु या द्वारा हमर किसी फ्यूएल रो हमर ये सोर्स को हम ये बंचे परुचु आउ एहा द्वारा हमर घास हम आराम से काटि परबा किसी असुविधा होनी हमको आउ जणे आराम से कंफर्टेबली बसी भी परिवो
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେସିନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର, କେବଳ କୌଣସି ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ନହେଇ ଏ ଘାସ କାଟିପାରିବ। ତେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କରେ ଏଇ 10 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏଇ ଚାରିଚକିଆ ଘାସ କଟା ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ବା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଅତି ସହଜରେ ଘାସକୁ କାଟିପାରିବ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଘାସ କାଟିପାରିବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କେମିତି ଏ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଚାଲିପାରିବ, ସୋଲାର ଏନର୍ଜିରୁ ଚାଲିପାରିବ, ଆଉ ଜଣେ ବସି ଅତି ସହଜରେ, ଏବେ 2 ଜଣ ଦରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମେସିନ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏମାନେ ଯେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସି ନିଜେ ଏଇ ମେସିନ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଘାସ କାଟିପାରିବ ଆଉ ଅତି ସହଜରେ କାମ କରିପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଗବେଷଣାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍କ୍ରାପ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଏମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।